जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रोज की तरह आज भी फनी वीडियो आने वाला है, फनी ट्रिक आने वाली है आपके पास। हिंदी साहित्य की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, आरपीएससी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो हिंदी साहित्य के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल सबसे बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब में सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज हम ट्रिकी मेथड के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करवाने वाले हैं, टेस्ट करवाने वाले हैं और साथ ही याद भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं ना बताने के लिए? तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? अब आपको उत्तर बताना है, फटाक से 4 सेकंड में आप उत्तर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, क्या है? धनपाल। अब यहां पर दोस्तों आया है धन और यहां आया है भविष्य, है ना? अब इसको कैसे याद रखोगे? मैंने आपको कई बार बताया है कि लोग क्या करते हैं, भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं। भविष्य के लिए, आप भी भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं, मैं भी भविष्य के लिए धन का संचय करता हूँ, यानी कि सभी भविष्य का धन से भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं। तो भविष्यत कहा रचना किसकी हो जाएगी? धन का संचय करते हैं तो धनपाल, है ना? अब कभी नहीं भूलोगे, आपसे कभी भी पूछा जाएगा भविष्यत कहा किसकी रचना है, बोले मैं भविष्य के लिए धन का संचय करता, यानी कि धनपाल। ठीक है, अब याद रख लेना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है, 4 सेकंड आपके पास हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही बताया है आपने बिल्कुल, दामोदर शर्मा, है ना? दामोदर शर्मा से आपका कैसे याद रखोगे दोस्तों? दामोदर से आपका बनेगा दमदार, क्या कहेंगे? दमदार। और दमदार लोगों के क्या चलते रहते हैं? प्रकरण चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की उक्ति व्यक्ति करते रहते हैं, तो इनके प्रकरण चलते ही रहते हैं। किनके? दमदार व्यक्तियों के। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्रकरण किसके चल रहे, बोले धर्म दमदार व्यक्ति के चल रहे हैं। तो दामोदर शर्मा यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भूलना नहीं है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है दोस्तों? पाहुड़ दोहा। अब पाहुड़ से आपको नहीं लग रहा कि पहाड़ की बात हो रही है, और पहाड़ की बात हो रही है तो दोस्तों पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? वनों में, है ना? और वनवास किसे हुआ था? किसे हुआ था वनवास? राम जी को हुआ था, और ये पहाड़ों पर घूमते हुए जा रहे थे वन में। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन होंगे? कौन होंगे? राम आएंगे तो राम सिंह, है ना? राम आएंगे, ये आ गए राम, तो राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। अब आप कभी नहीं पूछ भूल सकते, बोले पाहुड़ दोहा, जी पाहुड़ की बात कर रहे हैं, तो पहाड़ पर तो राम जी गए थे, यानी कि राम सिंह। ठीक है, इस प्रकार से आएंगे। अगला बताना दोस्तों, श्राप का चार के रचनाकार कौन है? श्राप का चार। 4 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करके कमेंट में लिख देंगे, और मैं आपको छोटी सी हिंट दे रहा हूं कि जब आप देव के पास जाते हैं, कोई भी देव के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो आप क्या बन के जाते हो? श्रावक बन के जाते हो, सेवक बन के जाते हो कि भगवान मुझे भी सेवा का मौका दो। सेवक बन के जाते हो, श्रावक बन के जाते हो। तो श्राप का चार रचना किसकी होगी? किसकी होगी? देवसेन की, क्योंकि देव के सामने हम श्रावक बन के जाते हैं, और देवसेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो श्राप का चार है ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, है ना? 933 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और देवसेन की हमने याद कर ली श्राप का चार, दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सरहपा की दोहा कोश। सरहपा की दोहा कोश तो अधिकांश लोगों को पता ही होगा, है ना? नहीं तो आप बोलो कि सर दोहा सुनाओ, सर से सरहपा और दोहा सुनाओ तो दोहा कोश, है ना? और राम से की पाहुड़ दोहा, ये तो आपको याद है। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है दोस्तों? मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि वर्ण रत्नाकर, यानी कि आपको वर्ण की बात हुई है तो वर्ण जो होते ना अपने अनार का आम का, आपने पढ़े होंगे, अपन हिंदी साहित्य वाले हैं ना, तो वर्ण रत्नाकर यानी कि वर्ण, और वर्ण हमें कैसे पढ़ना है? ज्योति में पढ़ना है, ज्योति में, अंधेरे में नहीं पढ़ना वर्णों को, नहीं तो अनार को उल्लू का बोल दो। इसलिए वर्णों को ज्योति में पढ़ना है तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन होंगे? ज्योति में पढ़ना है तो
ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है, वर्ण रत्नाकर के। अब आप कभी नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, आप बोलोगे सर ज्योति में पढ़ना है ज्योतिश्वर ठाकुर, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अपभ्रंश शब्द का बताना है दोस्तों। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करेगा उसको अपभ्रंश शब्द का पहले से पता होगा, जब तो उसने प्रयोग किया। अब जिसको कोई चीज पता नहीं है वो कैसे प्रयोग करेगा, तो अपभ्रंश शब्द का पहले से पता था इसलिए प्रयोग किया, पता से आपका क्या बनेगा पतंजलि, क्या बनेगा पतंजलि। तो अपभ्रंश शब्द का पतंजलि को क्या था, पता था, तो इन्होंने क्या कर दिया अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया इन्होंने, यानी कि आपका जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला बताना दोस्तों, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है आपको बताना है, 4 सेकंड में आपको बताएंगे। अब दोस्तों एक बार अपभ्रंश ने सोचा कि यार मुझे कोई भी कुछ भी बोलता रहता है आभीरों की भाषा, कहीं ये भाषा, कहीं बिगड़ी हुई भाषा, अब जो बोलेगा तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर कोई आभीरों की भाषा मुझे बोलेगा तो क्या मिलेगा, दंड। तो आभीरों की भाषा कौन बोलेगा, दंड से दंडी, है ना, कहा कि आभीरों की भाषा अगर बोला तो क्या मिलेगा, दंड। तो आभीरों की भाषा किसने बोला, दंडी ने, ठीक है, अपभ्रंश को दंडी, है ना, याद रख लेना। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना, देश भाषा किसने माना, 4 विकल्प में से चयन करना है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि जो देश का बेटा होगा, देश का सन होगा, उसे ही देश का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कि जो विदेश का आ रहा उसे देश का मान लिया जाए, जो देश में पैदा हुआ होगा, जो देश का सन होगा, जो देश का बेटा होगा, उसे ही देश का कहेंगे। तो अपभ्रंश को देश भाषा जो कहा है, इन्होंने सोचा कि यार ये तो हमारे ही सन है, है ना, यहीं उत्पन्न हुआ है, तो सन मतलब ग्रियर्सन, है ना, ग्रियर्सन, इन्होंने देश भाषा कहा है कि अपभ्रंश की जन्म यहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, यहीं हुआ है, इसलिए क्या है, देश भाषा है ये, यहीं की क्या है, सन है, सन, ठीक है। तो ग्रियर्सन, ग्रियर्सन साहब के बारे में आपको पता है कि इनका एक ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के निर्देशन में प्रकाशित हुआ था, है ना, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। और दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो है, जो ग्रियर्सन साहब हैं, सर्वप्रथम जो काल विभाजन का प्रयोग किया, प्रयास किया, किसने किया, तो ग्रियर्सन साहब ने किया है सर्वप्रथम, ठीक है। तो याद रख लेना सभी लोग ग्रियर्सन के बारे में, और अपभ्रंश को सबसे पहले देशभाषा कहने वाले हैं तो वो कौन है, ग्रियर्सन साहब, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, अवधि का एक अन्य नाम क्या है, अवधि। तो दोस्तों आप लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हो और उनमें आपको अवधि मिलती है, क्या मिलती है, अवधि, और घर वाले आपसे बोलते हैं कौन सी अवधि मिली, कौन सी अवधि मिली, या अवधि कौन सी ली, अवधि कौन सी ली। तो अवधि का अन्य नाम क्या होगा, कौन सी ली, मतलब कौसली, अवधि कौन सी ली, बोले कौसली, ठीक है। तो अवधि का जो अन्य नाम होगा वो क्या होगा, कौसली, अब याद रख लेना अवधि कौन सी ली, है ना, इस प्रकार से, तो कौसली आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आपको बताना दोस्तों, अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है, अवध विलास, आप लोगों ने वो एक गीत सुना होगा दोस्तों, एक गीत है बुंदेलखंड का कि बना की अवधपुरी ससुराल बरात को जहरे, एक आपने गीत सुना होगा, अवध से क्या हो जाएगा, अवध का लाल, अवध का लाल। तो अवधि ग्रंथ है अवध विलास, और अवध विलास के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, लाल दास, क्योंकि अवध का लाल, है ना, तो याद रखना अवधि ग्रंथ है अवध विलास, और अवध विलास के रचनाकार हैं लाल दास, सभी को याद रखें, कभी भूलना नहीं, अगर भूल गए तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। राम काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख भाषा है तो कौन सी है, दोस्तों आपको पता है कि राम को भी क्या मिली थी, अवधि मिली थी, बोले आप 14 वर्ष के वनवास को जाओगे, है ना, और इनको अवधि मिल गई 14 वर्ष की, तो अवधि मिली तो राम काव्य परंपरा की जो सर्व प्रमुख भाषा होगी वो कौन सी होगी, कौन सी होगी, अवधि, ठीक है, याद रख लेना। राम काव्य परंपरा की सबसे जो प्रमुख भाषा है
वो कौन सी है, अवधि है। और आपको पता है कि राम काव्य धारा के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है, तुलसीदास जी, ठीक है। और तुलसीदास ने दोस्तों सबसे पहले अवधि भाषा का प्रयोग किया, और आपकी जो रामचरितमानस है महाकाव्य है, ठीक है, श्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। और दुनिया में अगर सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई तो वो रामचरितमानस की लिखी गई, और रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि भाषा है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और बाद में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, है ना, इन रचनाओं में क्या किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन राम काव्य परंपरा की जो प्रमुख भाषा है वो अवधि ही है, जिनका जो जीता जागता उदाहरण रामचरितमानस है, ठीक है। ब्रज भाषा का उदय माना जाता है तो कब से माना जाता है दोस्तों? अब आप लोग कहते हैं कि हमें ब्रज जाना है, कन्हैया की जन्मभूमि जाना है, कन्हैया जी के दर्शन करने जाने हैं, इस प्रकार से बोलते ना, है ना। तो ब्रज अगर जाना है आपको तो अब भूल जाना कि 2-5 रुपये में पहुंच जाओगे, अब सीधे 1000 लगेंगे आपको। कितने लगेंगे? 1000 लगेंगे। तो ब्रज भाषा का उदय कब होगा? कब होगा? 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा का उदय माना जाता है। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ये दोस्तों हम आपको आज पूरी अच्छे से बता रहे हैं, है ना। पश्चिमी हिंदी आपको पता है पश्चिमी से क्या होगा, पश्चिमी हिंदी का विकास बनाना है पश्चिमी से। यहाँ पर देखो ये भारत का नक्शा दिया है, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा आता है? गुजरात। और गुजरात में आपको पता है शेर बहुत हैं, पश्चिमी राज्य गुजरात, और गुजरात में शेर बहुत हैं। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास माना जाएगा वो कैसे माना जाएगा? शेर से सौर सैनी, है ना, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी निकली? पश्चिमी हिंदी, ठीक है, याद रख लेना है, है ना। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आई। और मागधी से कौन सी आई? मागधी से आई दोस्तों आपकी कौन सी? बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया में, इसका एक कोड है वो आपको याद रखना है, बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया में, बंगला ओड़ा असमिया, ठीक है, ये याद है आपको और होगा। तो बिहारी से बिहारी हिंदी, ठीक है, और बंगला ओड़ा से उड़िया और असमिया, है ना, ये जो है ये कैसे आई? मागधी से आई, है ना। तो याद रख लेना है, मगध में बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया, मगध से बन जाएगा आपका मागधी, है ना, और बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया, ये सभी कौन से निकली हैं? मागधी से, है ना, और पश्चिमी हिंदी से सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, ठीक है, याद रख लेना। अर्धमागधी से कौन सी निकली? पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ठीक है। ब्राचड़ से कौन सी निकली? सिंधी निकली। तो ये तो हो गई आपकी इनसे निकलने वाली भाषाएं। फिर दोस्तों आपको पश्चिमी हिंदी से भी पढ़ना है, पश्चिमी हिंदी से जो निकली आपकी निकली कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी की बात करें तो आपकी निकली दोस्तों गुजराती, कौन सी निकली? गुजराती, राजस्थानी, है ना, सॉरी राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ये निकली आपकी कैसे? सौर सैनी से। तो आपको याद रख लेना है, सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी से जो निकलने वाली थी उनका भी मैंने आपको कोड बनाया था, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों से आपकी कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली, है ना, बुंदेली से बुंदेली, ब्रज से ब्रज, हरि से हरियाणवी, है ना, और इस प्रकार से आपको याद रख लेना, ये पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, है ना। गुजराती और राजस्थानी आपकी ये अलग हैं, राजस्थान की भी है आपकी मेवाती है ना, जयपुरी, इस प्रकार से आपको राजस्थानी की भी हैं। फिर आपकी पूर्वी हिंदी आती है दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी की आपकी कौन कौन सी हैं? मैंने कोड बनाया था अब छत्तीसगढ़ी, आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, है ना। तो अब छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं, पश्चिमी हिंदी की कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा। और मगध में बिहारी का बंगला ओड़ा असमिया में, ये मागधी का हो जाएगा, वो ब्राचड़ से सिंधी निकली है,
ठीक है, इसको हम आपको जब व्यवस्थित पढ़ाएंगे एक बार हिंदी की कौन सी क्या निकली है, कौन सी कब से, क्योंकि एक दो प्रश्न यहां से आपके बन जाते हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना राधा माधव बिलास की रचनाकार कौन है, राधा माधव बिलास की रचनाकार। अब दोस्तों आपको नहीं लग रहा कि राधा और माधव, और माधव को क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण, तो राधा कृष्ण बोल दो सीधे सीधे, तो राधा माधव इनकी हम क्या करते हैं, जय करते हैं, जय राधा माधव की जय। तो राधा माधव बिलास किसकी रचनाकार कौन होंगे, जय की है तो जयराम, जय की है तो जयराम, राधा माधव बिलास की रचनाकार जयराम, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्नेह लीला की रचनाकार कौन है। अब स्नेह लीला की बात आई है तो आपको पता है कि सृष्टि की रचयिता कौन है, विष्णु, सृष्टि की रचयिता विष्णु, और विष्णु जी अपनी जो सृष्टि है, सृष्टि के एक एक जीव से स्नेह करते हैं, सभी से स्नेह करते हैं, कौन, विष्णु जी। तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन होंगे, विष्णुदास, ठीक है, स्नेह लीला के रचनाकार विष्णुदास, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना दोस्तों रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, बहुत ही बढ़िया है, उदय भानचरित इसे कहा जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है उदय भानचरित, रानी केतकी की कहानी है ना। और दोस्तों आपको पता है कि रानी केतकी की कहानी इंसान ने ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी, रानी केतकी की कहानी इंसान ने ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी, तो इसके रचनाकार कौन होंगे, इंसा अल्लाह खां, है ना, इंसा अल्लाह खां, याद रख लेना, रानी केतकी की कहानी इंसान ने ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी, तो इंसा अल्लाह खां। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार कौन है, दूसरा इतिहास के रचनाकार बताना है दोस्तों, और चार सेकंड में आप अपना उत्तर का चयन करेंगे, और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि भगवान एक ही साहित्य लिखने में तो पसीना आ गया, आप दूसरे साहित्य की बात कर रहे हो, बच्चों का काम थोड़ी है, बच्चों का काम थोड़ी है दूसरा साहित्य लिखना, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन लिखेंगे, उत्तर आपको ही बताना है, कौन लिखेंगे, डॉक्टर बच्चन से, याद रख लेना है, है ना। साहित्यकारों ने कहा कि एक इतिहास लिखने में पसीना आ गया, दूसरा इतिहास की बात कर रहे हो, बच्चों का काम है क्या, तो डॉक्टर बच्चन से दूसरा इतिहास, ठीक है, अब याद हो गया होगा दोस्तों। एक और पूछा जाता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा इतिहास ये सुमन राजे का है, किसका है, सुमन राजे का। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो सुमन मतलब होता है क्या, फूल, और फूल किसी को आधा नहीं दिया जाता, नहीं तो कहा कि फूल लिया है आधा इसको दे दो और आधा उसको दे दो, ऐसा होता कहीं नहीं होता, तो सुमन राजे का क्या है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और आधा नहीं दिया जाता कभी सुमन, है ना, फूल, तो याद रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, हिंदी साहित्य की है ना भूमिका भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका याद रखेंगे सभी लोग, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी का तो है ही हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये सारे सारे इतिहास ग्रंथ हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, और दोस्तों चार सेकंड में आप अपना उत्तर तो चयन करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि कीर्ति कब फैलती है, कोई व्यक्ति मूर्ख है और कोई विद्यावान है तो किसकी कीर्ति फैलेगी, विद्यावान की फैलेगी ना, जिसमें विद्या है उसी की कीर्ति फैलेगी, तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन होंगे, विद्यापति, है ना। और दोस्तों इस कीर्ति में इन्होंने क्या किया था, राजा कीर्ति सिंह की यशोगाथा का वर्णन किया था, है ना। और विद्यापति की ये तीन रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं दोस्तों, इनकी एक रचना है पदावली, पदावली जो है इनकी मैथिली में रचना है, ये पूछी जाती है विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में है, तो इनकी जो पदावली है ये मैथिली में है, और इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दो रचनाएं अभट्ट में है, ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में है, तो इनको आपको याद रखना है। और चंद्रबरदाई के बारे में तो पता है आपको कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, है ना, याद रख लेना है। और राउल बेल एक रचना है चंपू काव्य, उसकी रचनाकार रोड़ा कवि हैं, है ना, ढोला मारूरा दुहा जिसकी रचनाकार कुशल लाभ हैं, है ना, और इनकी रचना हमें पढ़ना है पदलता पताका, पदलता पताका, पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका, ठीक है, इस प्रकार से। अगला बताना है दोस्तों अभिमान मेरु किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कोई कोई आदमी के पास जब धन बहुत हो जाता है, कोई अच्छी संपत्ति हो जाए, उन्हें अभिमान हो जाता है, अरे यार अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, है ना। ऐसे ही पुष्प ने कहा
कि मुझे तो देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, मेरी तो माला बनाई जाती है। तो पुष्प को क्या हो गया? अभिमान हो गया। पुष्प को अभिमान हो गया, तो अभिमान मेरु किसे कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? पुष्प दंत को। पुष्प दंत ने दोस्तों अपने आप को अभिमान मेरु कहा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से बताइए कौन सा कवि अपने आप को, कौन से कवि ने अपने आप को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी? तो पुष्पदंत है ना। इनका एक आपने पढ़ा होगा महापुराण, महापुराण ग्रंथ है पुष्पदंत जी का, बहुत ही श्रेष्ठ है पुष्पदंत जी का महापुराण, है ना। तो इन्होंने अभिमान मेरु कहा था, ऐसे ही पुष्प को भी अभिमान हो गया, इस प्रकार से याद रख लेंगे, है ना। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध। अब चार विकल्प हैं, दो सेकंड आपके पास हैं, और आपको पता है दोस्तों कुमार आ रहा है यहाँ पर, कुमार। तो आजकल के जो कुमारे लड़का रहते, कुमेर कुमारे लड़का, है ना, आजकल के जो कुमार हैं वो सोमरस का प्रयोग बहुत कर रहे हैं। काय का प्रयोग कर रहे हैं? सोमरस। सोमरस आप लोग समझते होंगे, और सोमरस का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन होंगे? कौन होंगे? सोमप्रभ सूरी, है ना। क्योंकि कुमार लोग सोमरस का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी, यानी विकल्प नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये अपभ्रंश के व्याकरणाचार हैं हेमचंद्र जी, है ना। देवसेन की रचना श्राप का चार है, धनपाल की रचना भविष्यत कहा है, जिनको अपन ने याद भी किया है। अब दोस्तों आपका एक चैलेंज प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा बताना है भगवती चरण वर्मा की, निर्मल वर्मा की, मोहन राकेश या फिर रांगी राघव की। ठीक है, ये चैलेंज प्रश्न है, इसका उत्तर आपको लिखना ही है, और आप जितना इसके बारे में लिख सकते हो वो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, इससे आपका नॉलेज और बढ़ता है, है ना। तो चित्रलेखा के बारे में लिखें, और ये इनके रचनाकार हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना है। और पिछला चैलेंज था आपका, उसने कहा था किसकी रचना है? तो उसने कहा था, है ना, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीन रचनाएँ थी दोस्तों। ये तीन रचनाएँ थी किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये तीन रचनाएँ थीं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्र हिंदी साहित्य में तीन रचनाओं को लिखकर कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो अमर हो गया? तो वो साहित्यकार है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी तीन रचनाएँ थीं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, और उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में लिखी गई ये रचना है। फ्लैशबैक मतलब होती है याद में चलती ना, आप फिल्म लोग देखते बोले याद में फिल्म चल रही है, है ना, तो वही फ्लैशबैक शैली है। और उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये चंद्रधर गुलेरी जी आपकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, है ना। और जो आपको चैलेंज दिया है वो उत्तर तो आप सभी को बताना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाएं। और हिंदी साहित्य का एक प्यारा सा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उससे जुड़ने के लिए आपको 9098609291 ये आपका नंबर है। इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, आपको उस ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़रूर जुड़ना है। और जो भी फेसबुक में देख रहे हैं दोस्तों वो यूट्यूब में सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, बहुत सारी फनी ट्रिक आने वाली हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य चुटकियों में याद हो जाएगा, कोई भी प्रश्न में कोई डाउट भी नहीं रहेगा और याद भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।